गणपति बापा को घर पे लेके आना, पूजा करना और फिर विसर्जन करना, इतना ही नहीं होता है, उसके बाद भी प्रोसीजर होता है, उसके पहले भी प्रोसीजर होता है। उसके पहले का प्रोसीजर आई कुडंट शूट, बट उसके बाद क्या होता है वो आज ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं। बाय द वे, हे व्हाट्स अप स्क्वाड आरजीबी, दिस इज तुम जो विशाखा फ्रॉम आमची मुंबई, वेलकम बैक टू अपन का यूट्यूब चैनल रेडिकल विशाखा। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था दैट हमने गणपति का जो विसर्जन है वो घर पे ही किया था, मतलब जो बड़ी वाली बाल्टी है वो लेकर आए थे। अभी देखते हैं बापा कहाँ गए। देखो सबसे पहले ना हम लोग जो इसके अंदर फूल डाले थे वो फूल निकाल के एक बैग में डालने वाले हैं। ये फूल का हम लोग खत बनाने वाले। ये है हमारे बापा इमर्स हो गए, उसके बाद डिसॉल्व होने के बाद वो उनकी जो मिट्टी है वो रखा हुआ है। गणपति बापा मंगल मूर्ति सब्सक्राइबर्स के लिए भी, हाँ इनको भी टिका, ये जय गणेश। तो हमारे ये फैमिली मेंबर को भी हम लगा रहे हैं, आगे ला इसको। शैडो आ लग गया, चल अयो राम करियो पा मेरी खुशबू, आई तो लव यू। अभी अंदर हाथ डाला मैंने तो मेरे को वैसे गणपति बापा की मिट्टी फील हुई, मतलब फर्स्ट टाइम गणपति बापा को आई कैन एक्चुअली फील आफ्टर द सर्जन। और अभी जो पानी है, पानी को हमने निकाल के साइड में डाल रहे हैं क्योंकि मिट्टी फ्लावर्स एंड पानी सब चीज को ऐसे सेपरेट करने वाले हैं। बापा का ध्यान रख, देखो अभी हम तीनों जा रहे हैं ये बापा का पानी लेकर नीचे। कहाँ डालने वाले अभी अपन? झाड़ में, पेड़ में डालने वाले ये वाला पानी। ये है हमारे बापा की वेलवेट की धोती जो कि कलर से बना हुआ है, कलर से। देखो गणपति बापा का जो प्रोसीजर है बाहर निकालने वाला मिट्टी जो बन गए बापा, उसको हमने थोड़ा सा पॉज दिया है क्योंकि पूरी तरीके से विसर्जित हुए नहीं है, लास्ट तक खाली इतना सब बाकी है। तो जब तक हम लोग शायद नाश्ता वाश्ता कर लेंगे तब तक बापा पूरी तरीके से विसर्जित हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सबसे सिंसियर बच्चा घर का मैं ही है, हमेशा काम करना। अपन अभी कर रहे एडिटिंग और हम खा रहे पेरू, पेरू खा रहे, उनो खेल रहे, बिना ब्रश करे लोग उनो भी खेल रहे। थैंक यू। अच्छा ये देखो मैं किधर गए, ओ नानी व्लॉग में बताओ ये मामा ने क्या किए थे। वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट इज सीताफल एंड मैं बापा के लिए पांच फ्रूट में से सीताफल इसलिए लेके आती हूँ क्योंकि जब खत्म हो जाता है तब प्रसाद बन के मेरे पास ही आता है। कब से नानी बोल रही मामा को करके ढूंढने के लिए सीताफल, मामा को पूरी एरिया में ढूंढे बट उनको मिला नहीं। नानी बस थोड़ा वहाँ पर गई चल के और सीधा सीताफल स्पॉट। नानी की जाए 5:32 सुबह से हम लोग रुके हैं ना बापा को देखने के लिए, बापा मतलब पूरी तरीके से सब विसर्जन हो गया है कि नहीं, मिट्टी बन गई है कि नहीं, ये उस पे सुखा देना स्टैंड पे। 5:30 बजे हुआ है और निकले डायमंड्स, देखते हैं क्या देखे जाए इसके अंदर क्या ढूंढ रहा है। डायमंड, बापा का डायमंड। हाँ बापा ने हम लोग के लिए ऐसा खजाना छोड़ के गए, कोहिनूर का हीरा तलाश कर रहे थे यहीं पर है। ट्रेजर हंटिंग कर रहे हैं मामा, एक्चुअली ट्रेजर हंटिंग कर रहे हैं मामा। देख अंदर इसकी आदत देख, क्या मिला भाई हीरे जवाहरात कुछ मिला क्या अंदर से? ये एक घंटे से ढूंढ रहा है इसको, कुछ नहीं। अच्छा हम लोग एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जो मिट्टी हो गई है बापा की उसको करें तो क्या करें। तो फर्स्ट ऑप्शन था कि पौधा उगाए, तो हम लोग ने ऐसा मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगा करके कहाँ पर पॉट मिलेगा, ये सॉइल में प्लांट उगेगा कि नहीं। तो अभी बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो मिट्टी है वो शाड़ू की मिट्टी है, तो इसमें प्लांट उगाना लिटिल डिफिकल्ट, इसलिए हम लोग अभी ये मिट्टी को जमा करने वाले हैं। एक और हीरा कोहिनूर का हीरा। अरे एक और है इधर क्या? नहीं नहीं, जो मिट्टी है उसको हम लोग बैग में, प्लास्टिक बैग में भर कर विसर्जन करेंगे। एक करोड़ 2 करोड़ टैडू गणपति बापा कहाँ गए? शनि गणपति बापा शनि क्या दिख रहे लड्डू? ऊपर वाला सब देखता है और ऊपर वाले का सब पता होता है। जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, करते करते 7 बज गए, मतलब बापा को फाइनल वाला जो विसर्जन है वो करने का इच्छा ही नहीं हो रहा। बट अभी मैं, श्लोक, हृदय, पवन और मामा, हाँ 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 अच्छा अच्छा अरे 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 तेरे पीछे ही यही वो लड़का जिसका टैडो से प्यार है, डॉग से डर है। जी 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 नमस्कार।
गणपति बाप्पा। पहली बार हमने गणपति बाप्पा को लेके मामा चला रहे टोक्यो ड्रिफ्ट। और ना जब भी गणपति बाप्पा होते हैं 10 20 30 का स्पीड के ऊपर कभी नहीं जाते। हमने ना हर साल जहाँ पर विसर्जन करते हैं वहाँ पर है आर्य कॉलोनी में। यहाँ पर निर्माल है कि इतने बड़े बड़े ऐसे मटके रखे हुए हैं, बहुत सारे थ्रू आउट है। वहाँ पर हम लोग प्लान करे कि निर्माला जो है, मतलब निर्माला मतलब जो फूलहार हम लोग ने गणपति के टाइम पे पूजा में यूज़ किए ना, वो सब हम लोग ने कलेक्ट किए हुए 7 दिन का, अभी वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डाल देंगे उसमें। एंड गणपति बप्पा को जो हम लोग ऐसे बांध के मिट्टी के तौर पे यहाँ पर लेकर आए, उसको भी विसर्जन करने वाले हैं। अभी यहाँ पर मिल गई परमिशन। हाँ। चलो भाई परमिशन मिल गई है, आज 8वां दिन है इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं है। इस 14 इयर्स में पहली बार हम सब एक साथ पानी के बीचों बीच बाप्पा का विसर्जन करने आए। थैंक यू दादा। गणपति बाप्पा मोरया, जय गणेश बाप्पा। चप्पल इधर उतारा था हम लोग ने ये वाली ब्लू बोट में से पानी के बीचों बीच। थैंक यू, बाय, मिस अस। हेलो बहादुर। आई बहादुर, ये मेरा हमारे लिए देन है, मतलब पापा है, पापा ने एक्चुअली इंसान ने ये बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर ने बहुत सोच समझ के मिरर बनाया, क्योंकि उसको पता था कि एक ब्लॉगर बहुत जल्द इस बिल्डिंग में आने वाला है एंड इस मिरर को फुल यूटिलाइज करने वाला है। फिलहाल हम दोनों ही, क्योंकि दूध और कुछ सामान हम लोग लेने को उतरे थे वो ले लिया। हम लोगों ने कहा कि ये लोग गाड़ी पार्क करके ऊपर चले जाएंगे, बट हम लोग सामान ले के सबसे पहला पहुँच गए यहाँ। अब तो वो लोग नीचे गए, पता इस दवा तो भी क्या अभी भी हम डिस्कशन करेंगे कौन से रूम में कौन जाएगा, कौन से बाथरूम यूज करने वाला है, मतलब इमरजेंसी बेसिस पे बाथरूम यूज हो गया। यो आफ्टर 4 डेज शौचालय, 3 शौचालय है हमारे घर में, बट नानी का हम यूज दे, एक हमारी मम्मा का है तो वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, एक ही है पर्सनल, बाकी हम लोग का एक शौचालय है जो हम लोग यूज कर रहे हैं घर में, बीच वाला जो है, बीच वाला हृदय का इमरजेंसी था इसलिए वो एकदम अंदर वाले इसमें चले गया। ये डेटॉल का पानी डाले उन्होंने से पैर को सैनिटाइज, अपन हो गए थे ना उधर किधर बोट में, बोट पे रस्सी भी लगी। लास्ट टाइम तुम लोगों को बताने का रह गया था कि एक्चुअल सैनिटाइज कैसे करते हैं हम लोग चीजों को। डेटॉल एंड डिटर्जेंट ये कपड़े से एक एक सामान पोछ पोछ के उधर रख देते हैं। बाय शैडोई, लड्डू मेरी, बच्ची मेरी, चिकुपुक चली, ओमन चली, कहा तो चली। ये हल्दी का पानी करने में डालने वाले अंडे, आफ्टर 8 डेज घर में आए हैं अंडे, क्योंकि सैनिटाइज ओनली फॉर शैडो इन 14 इयर्स। ओ क्यूटी पाई, नो मामा लोग भाई लोग सब अंदर आ गए, 20 मिनट हो गया पर आ रही है। प्लीज कपड़े देख के मत सोचो करके, पता नहीं जो भी सोचना है सोचो, फिलहाल अपने पास यही कपड़े। मैं गरीब हूँ, मैं भी गरीब, मैं भी माँ भी गरीब है। अभी हम लोग आज मूड बना हुआ है कि मस्त एसी वेसी स्टार्ट करके जंक फूड खाने वाले हैं। इसमें हो रही है पॉपकॉर्न, सूप की तैयारी हो रही है, और नानी क्या दे रही है, सिर्फ 7 लॉग बनाऊंगी बट 8 बन गए हैं। एज ऑलवेज दिस इज रैडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट। आई एम गोना सी यू वेरी सून विद अनदर व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, comment down below your favorite part from this vlog and share it across, because we are left with only 3000 subscribers to reach 500k. Till then keep calm and jai unta, jai unta, more party. Atangwadi zara shakal dikha rahi hai, my name is Luke and I'm not a terrorist.